फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद हर्षित। कल मैं कहीं रिलायंस डिजिटल चित्तौड़ में है ना, सब्जी मंडी के पीछे वहाँ पे गया था, तो वहाँ पर रेडी टू सर्व एक पेनकेक का मिक्सचर लेके आया था। तो एक्चुअली मैं तो क्या लाया था, डॉटर और वाइफ लेके आई थी, तो अभी वो उसी पेनकेक को जो है वो बनाने वाले हैं। तो आई थॉट ऑफ क्यों ना घर पे पैनकेक्स कैसे बनाते हैं उसका एक छोटा सा वीडियो बन जाए, आपके साथ भी शेयर करूं कैसे बनाना है। फर्स्ट टाइम रेडी टू सर्व वाला जो सब मटेरियल आता है, बॉक्स जो है, उससे हम लोग पैनकेक बनाने वाले हैं। तो बच्चों को हालांकि बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं पैनकेक्स वगैरह, तो उसी की मेकिंग में तो आप लोगों को बताना चाह रहा था कैसे पैनकेक बना सकते हैं। और पैनकेक्स बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, जैसे ऑमलेट बनाते हैं ना, वैसे ही इसका कुछ तरीका है आई गेस। आई एम नॉट हैविंग गुड हैंड इन ऑल दिस पैनकेक्स केक्स एंड ऑल, बट स्टिल मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कैसे इस पैनकेक को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ पैनकेक कंपनी कौन सी है जिसको हम लेके आया, उसकी MRP क्या है, प्राइस क्या है, और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसकी अदर डिटेल्स। फ्रेंड्स, ये वो पैनकेक का मिक्सचर है जो मैं लेके आया था, बेटी क्रॉकर कंप्लीट पैनकेक मिक्सचर ओरिजिनल, जस्ट ऐड वाटर। इससे हम 22-24 पैनकेक्स हम लोग बना सकते हैं। और ये साइड में पूरी इसकी स्टेप्स लिखी हुई कैसे क्या आप लोग बना सकते हो अलग अलग डिशेस की। वफ़ल्स वगैरह के लिए भी दे रखा है वफ़ल मेकर, अगर आपके पास हो तो आप इससे वफ़ल मेकर भी बना सकते हैं। हाँ, ये 500 ग्राम का है, और अगर इसकी MRP की बात करें तो इट्स नियर अराउंड 215। और नवंबर का इसका मैन्युफैक्चर है, 9th मंथ तक है इसकी एक्सपायरी, तो हम इसको आज ही बना रहे हैं। अभी हार्डली आई गेस 4-5 दिन पहले हम लेके आए थे, बट हमको टाइम नहीं मिला, तो इसको ट्राई करेंगे। बेटी क्रॉकर कंप्लीट पैनकेक्स मिक्स को अपन लोग ट्राई करते हैं कैसा बनता है ये पैनकेक, लेट्स सी। और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसका टेस्टिंग वगैरह। बनाने वाली जो है वो है बेटर हाफ, होम मिनिस्टर इसको बनाएंगे, और अर्शिया की डिमांड है, सारा की डिमांड है, तो भैया पैनकेक बन रहा है, तो लेट्स ट्राई दिस पैनकेक। इसको इसकी ओपनिंग भी करेंगे अंदर से कैसा दिखता है, और फिर बनाते हैं। चलो आइए, अब इसको खोलने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इस पैनकेक मिक्स का जो डब्बा है इसको खोल रहे हैं, और फिर हम इसको इस पैन में बनाएंगे। तो अंदर आपको ऐसी थैली निकलेगी, देखो बिल्कुल वाइट कलर का रेडी टू सर्व मिक्सचर है। इट्स नॉट नेसेसरी आप पूरा एक साथ बनाएं, जितना आपको बनाना है उतना आप एक साथ बना सकते हो। बिल्कुल आटे जैसा ही दिख रहा है इसके अंदर सब कुछ, ऑलमोस्ट इसके अंदर सब कुछ मिक्स है, बिल्कुल आटे जैसा दिख रहा है ये। तो इसको केवल आई गेस इसको केवल किसी बाउल में घोलना होगा। तो हम लोग जो हैं इसको अब कट करेंगे, और आप चाहे तो माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं, हम लोग माइक्रोवेव में नहीं बना रहे, हम लोग थोड़ा सा इसको बना रहे हैं। ये पूरा मैदे का दिख रहा है मुझे तो, आई गेस पूरा मैदा है इसके अंदर। तो ये जो है बाउल में निकाल चुके हैं हम लोग, इसके बाद इसके अंदर आप मिल्क भी ऐड कर सकते हो, वाटर भी ऐड कर सकते हो। तो आप लोग इसके अंदर वाटर भी ऐड कर सकते हो, मिल्क भी ऐड, आप लोग इसके अंदर वाटर भी ऐड कर सकते हो, मिल्क भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर हमारे जो हमारी तो मिनिस्ट्री वाटर ही ऐड कर रही है। इसके अंदर हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, उसको मिला रहे हैं, मिक्सअप कर रहे हैं पूरा। ये देखो अच्छे से मिल रहा है। इसके अंदर वाटर आप थोड़ा थोड़ा करके मिलाते रहें जब तक ये सेमी लिक्विड शेप में ना आ जाए। ये सेमी लिक्विड शेप में आ जाएगा, उसके बाद इसको ऑमलेट डालते ना, वैसे हम लोग
इस फ्राइंग पैन के ऊपर डालेंगे तो ऑटोमेटिक फूल के पैन के कीड़ा ऊपर से निकल के आ जाएगा। तो अभी ये देखो धीरे धीरे हम इसको सेमी लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मिलाना है इसमें। तो अभी तक तो सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए आई गेस। इसको तब तक फेंटते रहे पानी के अंदर कि जब जैसे ही अपन इस पैन के अंदर डालें तो आराम से फैल जाए, ऐसा नहीं एक जगह स्टक रह जाए, एक जगह इकट्ठा हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि पैन में डालें और फैल जाए। आई गेस सारे दूध वाले आज ही आएंगे, बहुत शानदार मुझे दूध वालों के हॉर्न्स की आवाज़ आ रही है। तो गाइस ये हॉर्न आपको बियर करना पड़ेगा, पीछे बाइक्स में जो आवाज़ आ रहा है, गैस को चला लें आप लोग। तो आई गेस मैडम श्री ने ऐसा रखा है इसको, ठीक है, ये देख लो ताकि आराम से फैल जाए। अब आप कैसे बनाना चाहते हो, आप चाहो तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो और हिंदुस्तान की शान देसी घी आप वो भी ले सकते हो, देसी घी भी आप डाल सकते हो, आप लोग देसी घी भी यूज़ कर सकते हो, हम लोग देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्राइंग पैन पे थोड़ा अच्छे से देसी घी लगा लें पूरे पे, ठीक है, सर्दी का मौसम बहुत शानदार है तो आई गेस देसी घी भी इस पे लग चुका है। ओके तो ये घी जो है वो अच्छे से ये लगा चुके हैं, है ना, घी अच्छे से लग चुका है इस पे, जैसे ऑमलेट पे पहले हम लगाते। अब समय है इसको डालने का, परीक्षा की घड़ी आ गई हमारी। होता है ना घर पे अपन कई बार एक्सपेरिमेंट्स करते फेल हो जाते हैं, आई एम होपिंग कि आज वो फेल नहीं होगा। ओके अब हम लोग, ओके ये गया पैन के अंदर, तो इसको आप डाल के हल्के हाथ से फैला लें। मुझे रिजल्ट का बिल्कुल भी पता नहीं क्या रिजल्ट होने वाला है। इसको फैला लें, अगर आपको लगे थोड़ा गाढ़ा ज़्यादा है तो आप मिक्सचर में और पानी भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला जो थोड़ा और ये, अब इसको थोड़ा सा पकने दें, गोल्डन होने दें, गोल्डन होने दें, उसके बाद ट्विस्ट एंड फ्लिप्स एंड ऑल आप लोग जो करते हैं वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली ये जो पेन केक है भैया ये ऐसा रहेगा, देख लो, दिख तो बिल्कुल ऑमलेट जैसे ही रहा है मुझे तो, बट ऑफ कोर्स ये वेजिटेरियन है 100%। और ये एक पैन केक है, ऐसा गोल्डन होने तक आप इसको रख सकते हैं, आप जितनी क्वांटिटी में थिक चाहे वैसा रख सकते हैं। जैसे सेकंड वाला हम जो बनाने वाले हैं इसको थोड़ा पतला रखने वाले हैं, ये थोड़ा सा पतला है ताकि आराम से इधर उधर फैल जाए। अब ये जो पैन केक है ऑलमोस्ट ये पैन केक रेडी है, इसको सर्व करेंगे हम लोग, टेस्ट करेंगे। तो भैया ये रेडी हो चुका है हमारा पेनकेक, आ चुका है प्लेट में, दोनों तरफ से बढ़िया गोल्डन सिखा है। अब नेक्स्ट जो है वो एक जो थोड़ा थोड़ा सा बैटर जो थोड़ा और ज़्यादा इन्होंने वाटर ऐड किया था उस वाले को हम लोग ट्राई करने वाले हैं नेक्स्ट इस टाइम, ठीक है। घी डाल लें अच्छे से, ओके बेटा ये जो जिसमें वाटर हमने थोड़ा ज़्यादा ऐड किया था वो वाला हम डाल रहे हैं। ये देखो थोड़ा आराम से फैल रहा है, जैसे ही ऊपर डाला इसको आराम से फैल रहा है। बहुत आराम से फैल रहा है, जितना पतला होगा उतना आराम से फैल रहा है, इतना भी पतला नहीं हो कि पूरे पैन में इधर से उधर घूमता फिरे। तो ये देखो ये आराम से फैल गया,
आप इसका थोड़ा सा घी जो है उसको इधर की तरफ ले लें। ये आप थोड़ा सा इसको फैलाने के बाद आप इसको वापस टर्न कर लेंगे तो ये अच्छा खासा हो जाएगा। दोनों की टेस्टिंग साथ में करेंगे। आप इसके ऊपर हनी वगैरह ऐड कर सकते हो, जैम लगा सकते हो, कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसके ऊपर लगा सकते हो। बट मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं तो केवल ऐसे ही टेस्ट करके बताऊंगा कि भैया टेस्ट कैसा है इसका, इसका टेस्ट कैसा है मैं करके बताऊँ। अब हम लोग ये जो दूसरा वाला है इसको टर्न करेंगे, बट थोड़ा सा आई गेस अब ये नीचे से गोल्डन नहीं हुआ है, ब्राउन नहीं हुआ है। जैसे ही थोड़ा ब्राउन होगा अपन इसको टर्न कर लेंगे। तो देखो इसको जैसे ही टर्न किया ये भी वैसे ही गोल्डन हो गया है। तो बस अब वापस इसको भी अच्छे से सेकने के बाद हम लोग प्लेट में निकालेंगे और दोनों की टेस्टिंग एक साथ करेंगे। टेस्टिंग तो एक ही होगी, आई गेस टेस्ट सेम ही होगा। बंद करो इसको। ये हो चुका है, हम इसको भी प्लेट में निकालेंगे और करेंगे इसकी टेस्टिंग, क्विक टेस्टिंग, और आपको बताऊंगा लक कैसा रहा है। अच्छा ही लगना चाहिए। अब ऐसा है कि भैया वाइफ ने बनाया तो अपन कह भी नहीं सकते कि अच्छा नहीं है। तो ये जो है वो बन चुका है, निकालेंगे इसे बाहर, चेक कर लें आप पीछे से हुआ है या नहीं और उसके बाद निकाल लें। तो लगभग ये सिक चुका है, इसको निकालेंगे प्लेट में और करेंगे इसकी टेस्टिंग। शानदार से पैनकेक की शानदार टेस्टिंग, होममेड, मतलब सेमी होममेड। दिखने में तो ठीक ही दिख रहे हैं ये लोग। देखो फ्रेंड्स, ये है अभी इन पैनकेक्स के टेस्टिंग का टाइम और दिखने में तो ठीक ही दिख रहे हैं। तो इस पैनकेक को टेस्ट करते हैं हम लोग। तो ये तोड़ा और चेक कर लेते हैं कैसा है ये। वैसे वास्तव में मुझे पता नहीं, मीठा है, अच्छा होना चाहिए। अच्छा है, बिना चाशनी के मालपुए होते हैं ना वैसा लग रहा है। मालपुए खाते हैं ना हम लोग बिना चाशनी वाले, वैसा है। इतना मीठा नहीं है, आई गेस इतना मीठा नहीं है, बट ये बिना चाशनी के मालपुए खाते हैं ना वैसा है। मीठा कम है, ठीक है, इतना मीठा नहीं है, बिना चाशनी के मालपुए कह सकता हूँ इनको मैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नई डिश को एक्सप्लोर करते हुए, एक नई जगह को एक्सप्लोर करते हुए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे बहुत जल्द। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एक्सप्लोर विद अर्शद, बाय बाय।